नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे पुदीना के फायदे और नुकसान के संबंध में, यानी कि पुदीने का कब, कैसे, कौन सी बीमारी में इस्तेमाल करेंगे ये कम्प्लीटली बताएंगे। साथ ही साथ किन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ये भी बताएंगे। पुदीना बहुत ही कमाल की औषधि है, क्योंकि इसमें एंटीमाइक्रोबियल, एंटीवायरस, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी ट्यूमर के साथ ही एंटी एलर्जेनिक गुण पाए जाते हैं। ये आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने में काम आते हैं। कौन कौन सी बीमारी में आपको ये काम आएंगे ये भी हम इस वीडियो में कम्प्लीटली बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बेहद फायदेमंद वीडियो होने वाली है, इसीलिए अंत तक जरूर देखिए। आइए इसके औषधीय गुणों को जानते हैं, यानी कि कौन कौन सी बीमारी में ये इस्तेमाल होगी, फिर इसके बाद हम आपको मात्रा, तरीका और फिर इससे जो लोग हैं बचना है जिनको, उनके बारे में बताएंगे। अगर आपके मुंह से मान लीजिए बदबू आती है, कोई भी है उसके मुंह से बदबू आती है, तो पुदीना उनके लिए रामबाण औषधि की तरह से कार्य करेगा। आप पूरे दिन में 2 से 3 बार जब आपको मिले पुदीने की पत्ती चबा लिया कीजिए, इससे मुंह की बदबू की समस्या आपकी दूर होगी। या इसके पानी से कुल्ला भी कर लेंगे 2-3 बार, तब भी आपको सेम फायदा मिलने वाला है। पुदीना त्वचा से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनको जड़ से दूर करती है। ये एक अचूक औषधि है। गर्मी में लू अगर लग जाए, उससे बचना है लू से आपको, तो पुदीने का इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए अच्छा है सेवन करने में भी। और इससे आप बाहर निकल रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपकी स्किन बची रहे धूप से, तो आप इसको स्किन पर आकर के लगाएंगे तो डैमेज सेल्स को रिपेयर करने में भी मदद करेगी। सबसे बड़ी बात है, हैजा जैसी स्थिति से भी ये हमें बचाती है। अगर किसी को हैजा हो जाए तब तो आपको इसको अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले से ही इस्तेमाल करेंगे तो होने के चांसेज ही नहीं रहेंगे। क्या करना होगा, अगर किसी को हैजा है तो पुदीना, प्याज का रस, नींबू का रस बराबर मात्रा में मिला करके दे दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। उल्टी होने पर 1/2 कप पुदीने का रस दीजिएगा। ध्यान रखिए, आपके उल्टी की समस्या दूर हो जाएगी। पुदीने का रस कितना लेना है, 1/2 कप पुदीने का रस लेना है, अगर किसी को उल्टी होने लगे तो। अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो पुदीने को आप जीरा, काली मिर्च और हींग के साथ मिला करके सेवन कीजिए, इससे राहत मिल जाएगा। पुदीने की ताजी पत्तियों को पीस करके चेहरे पर लगाएंगे तो चेहरे पर ठंडक आती है, और जो भी डेड सेल्स हैं स्किन के, उसकी रिपेयरिंग बहुत अच्छे से होती है। इसके अलावा ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में सुधार लाता है। ये एक आम विकार है जो बड़ी आंत को प्रभावित करता है। इसकी वजह से पेट में दर्द होता है, दस्त की समस्या होती है, कब्ज की समस्या होती है, तो पुदीने का उपयोग इस विकार को दूर करने में मददगार होता है। ये शोध में पाया गया है कि पुदीने की चाय में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। पुदीने की चाय में पाए जाने वाले एंटीसेप्टिक गुण इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आराम पहुंचाने में मददगार होते हैं, यानी कि अगर किसी को पेट की समस्या है तो उनके लिए बहुत अच्छी औषधि के रूप में कार्य करेगा। किस किस रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी आपको आगे बताने वाले हैं। इसके अलावा ये हमारे याददाश्त को मजबूत करती है। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, हमारे अंदर सकारात्मक परिणाम लाती है, सजगता लाती है, और सजगता में जब वृद्धि होगी तो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में सुधार हो जाता है, तेजी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे याद करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। उल्टी का हमने आपको बताया, किसी को मितली आ रही है तब भी दे सकते हैं। उल्टी आने का इंतजार नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि मितली आ रही है यानी कि उल्टी आने वाली है, तब भी आप पुदीना दे सकते हैं, उनको फायदा होगा कि उल्टी रुक जाएगी। सिर दर्द की समस्या है तो दूर हो जाएगी, पाचन की दिक्कत है तो दूर हो जाएगी। जो स्तनपान कराने वाली माताएं बहनें हैं वो अगर इसका सेवन करती हैं तो उनको भी काफ़ी सारा फायदा होता है। जैसे कि महिलाओं में स्तनपान कराते समय निप्पल में दर्द होता है तो उससे राहत मिलेगी। उसमें आई हुई दरारें स्तन या निप्पल के चारों ओर कई बार काला दाग बन जाता है, तो उससे भी बच सकते हैं आप। ये किस प्रकार से कार्य करता है इस पर अभी शोध की आवश्यकता है, लेकिन ये फायदेमंद रहा है ये देखा गया है। अगर कोई स्तनपान कराने वाली महिला जेल का उपयोग कर रही हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि स्तनपान कराने से पहले उसे अच्छे से पोंछ करके या धोकर निकाल लें, ताकि शिशु के मुँह में वो जेल ना जा पाए, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल्ड और फ्लू की समस्या से निजात दिलाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। कोल्ड और फ्लू की समस्या को दूर करने के लिए पुदीने का उपयोग इसलिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि पुदीने में पाया जाने वाला मेंथॉल बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है। यह जमे हुए कफ को
बाहर निकालने में मदद करता है और खांसी को कम करने में फायदेमंद होता है। इसके अलावा ये गले में खराश है और सूखी खांसी है तो उसको भी दूर करता है, सांस में बदबू है तो दूर करेगा, अवसाद और तनाव में कार्य करेगा, बताया है हमने कैसे। इसके अलावा इसका एक खास गुण ये भी है कि इससे आपका वजन नियंत्रित रहेगा, यानी कि पुदीने के सेवन से त्वचा की समस्या दूर होगी। त्वचा पर लगा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो पुदीने का उपयोग कैसे करेंगे, अब सवाल ये आ जाता है, आइए जान लेते हैं। पुदीने की पत्तियों से आप चटनी बना सकते हैं। पुदीने की पत्तियों को सब्जी में स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा डाल सकते हैं। बस आपकी बॉडी में आपको पुदीना लेने से मतलब है। पुदीने की चाय बनाई जा सकती है सेपरेटली, अगर यूज करना है तो जैसे आप चाय बनाते हैं, काढ़ा बनाते हैं, वैसे ही पुदीने का बनाइए, या फिर आप शरबत के रूप में भी ले सकते हैं, बहुत फायदेमंद है। पुदीने के रस को टॉनिक के रूप में भी आप ले सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब इसकी मात्रा को समझिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट भाग है वीडियो का, क्योंकि किसी भी औषधि का मात्रा समझना बहुत ज़रूरी है। एक छोटे चम्मच सूखे पुदीने के पत्ते से पिपरमेंट टी आप आसानी से बना सकते हैं। कितना, एक छोटे चम्मच सूखे पत्ते, ध्यान रखिएगा, जिसे रोजाना 2 से 3 बार आप पी सकते हैं। इसके सेवन की सही मात्रा के लिए ये अच्छा होगा कि आप अपने आसपास के आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिले। क्यों? क्योंकि वो आपकी बॉडी की प्रकृति को बेहतर जानते हैं। हो सकता है कि आपकी बॉडी ऑलरेडी शीत प्रकृति की हो, तो उस कंडीशन में आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी की प्रकृति आप नहीं समझते हैं अपनी, तो आपको फायदे की जगह कई बार नुकसान होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, किनको किनको नुकसान होता है, तो जैसे मान लीजिए किसी को शुगर की समस्या है, वो पुदीने का अगर सेवन करेंगे तो उनको इससे नुकसान होगा, क्योंकि इसके सेवन से उनके रक्त में मौजूद शुगर के स्तर को ये कम कर सकता है। वहीं पर अगर कोई मधुमेह रोगी इसके सप्लीमेंट का सेवन करता है तो अपने ब्लड शुगर लेवल को नियमित तौर पर जांच कराते रहें, ताकि इससे ज़रूरत से ज़्यादा शुगर के स्तर को आप आसानी से कम करने के जोखिम जो हैं उससे बच सकें। निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी इसके सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इसका मेंथॉल नामक घटक जो होता है इसमें, वो रक्तचाप के स्तर को कम करके समस्या पैदा कर सकता है। हालांकि उच्च रक्तचाप वाले लोग थोड़ी बहुत पुदीने के पत्ते का सेवन रेगुलर भी कर सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स के रूप में सेवन से पहले आप डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। साथ ही साथ सेवन के दौरान अपने बीपी का ध्यान जरूर रखिए। गर्भावस्था के समय किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए इसके सेवन से पहले आप आयुर्वेदिक जानकार की सलाह जरूर लीजिए। क्योंकि हम ऐसा बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की प्रकृति को जो आपसे मिले हैं आयुर्वेदाचार्य वही जान सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको सजेशन दे सकते हैं। पत्तियों के रूप में इसका थोड़ा बहुत सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स के सेवन से पहले आप जरूर मिलिएगा डॉक्टर से। हाँ, पत्तियां इसकी 1-2 आप खाने में वैसे भी मिला लेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होने वाला है। कम मात्रा में लेंगे कभी भी नुकसान नहीं होगा। इसकी पत्तियां बहुत अच्छी होती हैं, आप चाहें तो अपने चाय के रूप में, जैसा कि हमने कहा, तो वो तो एक अलग इस्तेमाल हो गया, इसमें शुगर वगैरह वालों को ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर आप खाने में एक पत्ती मिला देते हैं, 2 पत्ती जैसे तुलसी पत्ता मिलाते हैं वैसे, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जिनकी त्वचा सेंसिटिव होती है उन्हें मेंथॉल से एलर्जी हो सकती है, इसीलिए उन्हें इसके सेवन और संपर्क से दूर रहना चाहिए। अगर आप पर या आपकी त्वचा पर इसका उपयोग करने से लाल चकते पड़ते हैं या नुकसान होता है तो आपको इससे बचना चाहिए। इसके टेस्ट के लिए क्या किया जाता है, अगर पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कान के पीछे इसको लगा करके टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी बॉडी इसके साथ एडजस्ट होती है या नहीं होती है, तब आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो उम्मीद है कि ओवरऑल आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, पुदीने के फायदे और नुकसान को अच्छे से आप समझ पाए होंगे। अगर आपके मन में कुछ संशय है या कुछ आपको जानने की जिज्ञासा है तो कमेंट्स करके सवाल जरूर पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब अगले एपिसोड में दें या फिर आपके कमेंट्स पर रिप्लाई हो सकता है कि मिल जाए। तो ऐसी ही नई वीडियोज हम इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं जो पूर्ण जानकारी से भरपूर होते हैं। तो ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखा आप सभी ने, इसलिए दिल से धन्यवाद। विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक खुश रहें, आनंदित रहें। जाते जाते अपना कीमती सुझाव कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें, आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास होते हैं।